हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बालों के लिए एक ऐसा कमाल का नुस्खा जो हमारे बालों को नई जान देगा, यानी कि फ्रेंड्स हमारे बालों की तेजी से ग्रोथ लाएगा, बालों को तेजी से लंबा काला घना बनाएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को बनाने के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ जिंजर यानी कि अदरक का। आपको फ्रेंड्स मात्र इतनी सी मात्रा में जिंजर लेना है जिसे आप अपने बालों में लगाएंगे और अपने बालों को तेजी से घना बना लेंगे। अपने बालों की रुकी हुई ग्रोथ, गंजेपन की समस्या को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। इतनी सी मात्रा में आपको जिंजर लेना है। अगर आप बॉयज हैं तो इसका आधा यूज़ कीजिएगा और गर्ल्स हैं तो इतनी मात्रा में जिंजर आप ले लीजिए और इसके छिलके को उतार कर इसे कूट लीजिए या फिर इसका पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स इसके रस को निकालने के लिए आपको इसमें थोड़ी सी मात्रा में इतनी मात्रा में पानी डालना होगा और अदरक के रस को पूरा निकाल लेना होगा और आपको अदरक का रस यूज़ करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी, वो है आलमंड ऑयल। अगर आप अपने बालों में नारियल तेल लगाते हैं, सरसों का तेल लगाते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जिंजर के पानी में 2 से 3 चम्मच तेल ऐड करने होंगे। इस तरह से आप इसमें तेल को ऐड कर दीजिएगा। तेल को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल और ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास एलोवेरा जेल का प्लांट है तो वहाँ से आप एलोवेरा जेल को निकाल कर ऐड कर दीजिएगा, वो सबसे आसान और बेहतर रहेगा और आपको आसानी से मिल भी जाएगा। अगर एलोवेरा जेल का प्लांट नहीं है तो आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें ऐड कीजिए और इसके बाद आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको इसे अपने बालों में लगाना होगा। बालों की जड़ों में लगाकर सबसे पहले आप अपने बालों की जड़ों की मसाज कीजिए ताकि ये आपके बालों के अंदर चला जाए, जिससे आपके रुके हुए बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़नी शुरू हो जाए और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके नए बाल उगाने में भी आपकी बहुत हेल्प करें। तो सबसे पहले बालों की जड़ों में अच्छे से इसकी मसाज कीजिए और जब आप मसाज करेंगे तो आपके बालों में जो डैंड्रफ की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी और आपके जो खुजली की समस्या है बालों की जड़ों में, अगर कीड़ा लगा हुआ है तो वो समस्याएं भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और उसके बाद इस बचे हुए पानी को आप अपने पूरे बालों में लगा लीजिए और अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। इस नुस्खे का यूज़ वीक में मात्र एक बार और महीने में यानी कि मंथ में आपको 4 बार यूज़ करना है। अगर आप इसको मंथ में लगातार 4 बार यूज़ कर लेंगे तो आप अपने बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ा पाएंगे। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।